महाराष्ट्र द रिचेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ये सिर्फ हमारा बनाया टर्म है। गवर्नमेंट किसी भी सिटी को ऐसी डेजिग्नेशन नहीं देती है, और क्योंकि मुंबई अमीर बन गया तो लोगों ने उसे फाइनेंशियल कैपिटल या इकोनॉमिकल हब कहना शुरू कर दिया। और आज हम ये जानेंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों गांजे का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वीडियो एंड तक देखना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। मुंबई कंपैरेटिवली एक लेट सिटी है, यानी किसी छोटे से गांव से शहर बनने की तरह मुंबई ने काफी देर से बढ़ना शुरू किया था। और कंपैरेटिवली देखें तो कोलकाता और दिल्ली ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे, और उस समय मुंबई को किसी भी मैप में मेंशन भी नहीं किया जाता था। इस समय पारसी कम्युनिटी जो पर्शिया से आने के बाद इंडिया में सेटल हो गई थी, वो हमारे देश के कुछ शहर के अंदर स्प्रेड होना शुरू हो गई थी। इन्हीं में से एक कम्युनिटी साउथ बॉम्बे के कुछ इलाकों में बसना शुरू हुई और यहाँ आकर उनकी अच्छी खासी कम्युनिटी बन गई। क्योंकि पारसी कम्युनिटी ज्यादातर कोस्टल सिटीज पर सेटल होना शुरू हुई थी, तो इनके ट्रेडिंग रिलेशंस एक दूसरे से ज्यादा बेहतर थे, और साथ में मिलकर ये लोग अलग अलग देशों के साथ ट्रेड करने का काम भी किया करते थे। इन्हीं कम्युनिटी के अंदर जमशेद जी 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 बॉय नाम के मुंबई बेस्ड पारसी थे, जो अपने गुजरात के रिलेटिव्स के साथ मिलकर पूरी दुनिया भर से ट्रेड का काम किया करते थे। एक बार चाइना के साथ एक ऐसे ही ट्रिप के दौरान उन्हें फ्रेंच लोगों ने कैप्चर कर लिया था और बंदी बना लिया था। जब उन्हें कैद किया गया था, तब ब्रुचविक नाम के काफी बड़े ट्रेडर की बेटी से उनकी मुलाकात हुई, और ये वही ब्रुचविक थे जिनके खुद के शिप पर इन्हें कैप्चर कर लिया गया था। इसी कारण जमशेद जी 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 बॉय के रिलेशन इनके साथ बहुत अच्छे हो गए थे। जब वो 4 महीने बाद फ्री किए गए, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि चाइना के गोंजो में एक ट्रेडिंग हाउस सेटअप किया जाएगा, जहाँ से वो ओपियम या फिर गांजे का ट्रेड करने का काम करेंगे। जार्गिन ट्रेडिंग हाउस उस समय पर ग्वांजो में जमशेद जी 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 बॉय के द्वारा सेटअप करा गया, और वो आज भी वहाँ मौजूद है। और मुंबई जैसे छोटी कम्युनिटी से आने वाले जमशेद जी 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 बॉय बड़े स्केल पर मालवा और बांग्ला में प्रोड्यूस होने वाला ओपियम चाइना भेजना शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स चाइना से टी चाहते थे, लेकिन उसके एक्सचेंज में बहुत ज्यादा ब्रिटिश करेंसी और गोल्ड खर्च हो रहा था। ये चीज ना हो, इसके एक्सचेंज में चाइना को दूसरा प्रोडक्ट दिया जा सके, इसके लिए ओपियम का ट्रेड शुरू किया गया, और पूरे चाइना को ओपियम या फिर गांजे की लत लगा दी गई, और इसी के लिए ये एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन गया था। देखते ही देखते जमशेद जी 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 बॉय देश के सबसे अमीर आदमी बन गए, जिनकी टोटल नेटवर्थ 2 करोड़ रुपए थी, वो भी 1800s के समय में। इसी को देखते हुए पारसी कम्युनिटी के अंदर कुछ और लोगों का नाम भी बाहर आना शुरू हुआ। कुछ प्रोमिनेंट नामों की बात करूं तो कासवा जी, दादा सेठ, डेविड सुसेन, इन जैसे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का मुंबई से बाहर आना शुरू हो गया, और जिसकी वजह से मुंबई का नाम पहले मैप पे कहीं मेंशन भी नहीं किया जाता था, आज उसे लोगों ने डिनोट करना शुरू कर दिया। और उस समय कह सकते थे कि मुंबई एक प्रोमिनेंट सिटी बनना शुरू हो गया था। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपने जेजे हॉस्पिटल, जेजे फ्लाईओवर, जेजे मेडिकल कॉलेज, जेजे आर्ट कॉलेज, इन जैसी जगहों के नाम सुना होगा। ये जेजे कोई और नहीं बल्कि जमशेद जी 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 बॉय के लिए स्टैंड करता है। 1854 के आसपास ओपियम का ट्रेड डिक्लाइन होने लगा था। चाइना ने रेजिस्टेंस दिखाते हुए इस ट्रेड को खत्म कर दिया था, लेकिन पारसी जो इस ट्रेड के कारण बहुत ज्यादा अमीर हो गए थे, वो भी दूसरी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे ताकि वह अपना बिजनेस स्टेबल कर पाए। और इसी समय के अंदर उनको टेक्सटाइल मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखी। टेक्सटाइल मार्केट के अंदर एक और प्रोमिनेंट पारसी थे जिनका नाम काफसाजी दावेर जी था। उन्होंने मुंबई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी का इनॉग्रेशन किया था, और 5 लाख उन्होंने 1950s में इन्वेस्ट करे थे एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल मुंबई में बनाने के लिए। इसके बाद मानिक जी और नुसरवान जी ने भी ओरिएंटल स्पिनिंग मिल की शुरुआत मुंबई में की, और देखते ही देखते मुंबई ना सिर्फ देश का लेकिन पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर का एक इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल हब बन गया था। 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग उस टाइम पे मुंबई के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते थे, और मिड 90s तक यहाँ इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम होने लगी थी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। इन सारे बिजनेसमैन की छोटी मोटी कंपनीज यहाँ पर काम करने लगी थी। 1975 में एक पीपल के पेड़ के नीचे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना कर दी गई थी, और यहाँ पर शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू हो गया था।
था। 1869 में स्विस कैनाल ओपन कर दी गई थी, जिस कारण यूरोप से लेकर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा शॉर्टकट बन गया था। और इस शॉर्टकट पर सबसे ज्यादा इजीली पहुंचने लायक शहर था मुंबई, जिसके कारण इसके ट्रेडिंग को एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट मिला और बहुत ज्यादा ट्रेडिंग भी बढ़ी। ब्रिटिशर्स ने मुंबई में सबसे पहला रेलवे स्टेशन बनाया था। अगर आपको पता हो तो देश की सबसे पहली ट्रेन बोरीबंदर से थाने स्टेशन के बीच में चली थी। और यहाँ जो बोरीबंदर स्टेशन में बोरी का वर्ड यूज हुआ है, वो कॉटन की बोरियों के लिए डिनोट किया गया था, क्योंकि बोरीबंदर स्टेशन के पास में एक डॉक हुआ करता था जहाँ पर ये लोग कॉटन और टेक्सटाइल ट्रेड किया करते थे। और इसी वजह से इस स्टेशन का नाम बोरीबंदर रख दिया गया। इसके जरिए आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कॉटन और टेक्सटाइल ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट हुआ करता होगा। 1920s में मुंबई के समय पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने बूम पे थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गई, जब देश के बाकी शहरों के अंदर भी टेक्सटाइल ट्रेडिंग बढ़ने लगी। 1980 और 1985 में बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और अलग अलग कारणों की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई में डिक्लाइन होना शुरू हो गई। लेकिन इसी समय के आसपास जब आजादी मिले हुए नया इंडिया फॉर्म हो रहा था, मुंबई के सामने एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेंटर्स के अंदर थी। दोस्तों, कोलकाता क्योंकि हमारे डिवाइडेड बॉर्डर के बहुत ज्यादा पास में था, तो वहां की डोमिनेंट बैंक्स जो उस समय पर सिर्फ इंडिया ही नहीं लेकिन बर्मा, बांग्लादेश, नेपाल इन सारी जगह को भी डोमिनेट किया करती थी, वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। मिसमैनेजमेंट, पार्टीशन के दौरान हुए लॉसेस और ना जाने किन किन कारणों की वजह से ये बैंक्स ऑलमोस्ट डूबना शुरू हो गई थी। और क्योंकि मुंबई में स्टॉक मार्केट था, तो सेकेंड मोस्ट प्रोमिनेंट बैंक्स भी मुंबई में हुआ करती थी। तो मुंबई की बैंकिंग की ग्रोथ कोलकाता के बैंकिंग मार्केट में डिक्लाइन के साथ शुरू हो गया था। और यहाँ पास में जल्दी ही आरबीआई ने भी अपना हेडक्वार्टर सेटअप कर लिया था। जवेरी बाजार, जिसका नाम आपने सुना होगा, ये इंडिया का सबसे बड़ा बुलियन मार्केट बना, यानी कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड बैंक। आप ये कह सकते हो जब मुंबई स्टैब्लिश हो गई थी तो वहां का स्टॉक मार्केट भी पीपल के पेड़ से शिफ्ट होकर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया था। हजारों करोड़ के शेयर्स यहाँ पर डेली ट्रेड किए जा रहे थे। पारसी कम्युनिटी के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो मुंबई में टेक्सटाइल का बिजनेस किया करते थे, इनके पास बहुत पैसा था। लेकिन सेकेंड टाइम इन्हें प्रॉब्लम सामने आ रही थी, करंट बिजनेस डिक्लाइन हो रहा था और नए बिजनेसेस में एंट्री करना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे जो भी अमीर लोग मुंबई में रहा करते थे, वो दूसरे बिजनेसेस में ट्रांसफर होना शुरू हो गए। इसी टाइम के अंदर टाटा, मिस्त्री, पूनावाला इन जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम मुंबई में से बाहर आना शुरू हुए। अभी तक जो मैंने बताया, इसी के कारण मुंबई एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब बन चुका था, एक इम्पोर्टेंट पोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन चुका था और साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर अच्छे खासे स्केल पर हो रही थी। टेक्निकली मुंबई एक अमीर सिटी बन गई थी। लेकिन ऑलमोस्ट 1970s तक मुंबई कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों से कम पैसा कमाया करती थी। MIDC के काफी ज्यादा रूल्स के कारण मुंबई एक हेडक्वार्टर सिटी बन चुका था। इन सारे रीजंस के कारण मुंबई भी अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाया और ग्रोथ भी अच्छे खासे स्केल पर हो रही थी। और फाइनली 1970 के दशक में मुंबई ने बाकी शहरों को क्रॉस करते हुए अपने आप को एक डोमिनेंट ट्रेडिंग सिटी बना लिया और मुंबई लोगों के लिए एक फाइनेंशियल कैपिटल बन गया। लोगों को लगता है कि बॉलीवुड के होने के कारण मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल बन गया था, लेकिन दोस्तों बॉलीवुड बिल्कुल भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। पूरे के पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री को अगर कंबाइन भी किया जाए ना, तो इसकी नेट वैल्यू $2.4 बिलियन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हमारे चप्पलों की इंडस्ट्री है, जो हमारी फुटवेयर इंडस्ट्री है, उसकी अकेले की वैल्यू $10.7 बिलियन है। बॉलीवुड सिर्फ एक फेमस इंडस्ट्री है, लेकिन पैसों के हिसाब से मुंबई की बाकी इंडस्ट्री या फिर देश के किसी भी शहर में बसे हुए किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा छोटी है। बॉलीवुड अगर खत्म भी हो जाए ना, तो इंडिया की GDP के अंदर कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं पड़ने वाला। आज मुंबई ना सिर्फ एक बिजनेस कैपिटल है, लेकिन डेली मुंबई में जितने पैसों का लेन देन किया जाता है मार्केट के अंदर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है, वो कोई भी एक पूरी सिटी बहुत बड़े मार्जिन के साथ भी मैच नहीं कर सकता। और ओवरऑल GDP भी मुंबई की हाईएस्ट है। 2016 में कुछ डेटा बाहर आया था कि दिल्ली ने मुंबई को सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ GDP, लेकिन इसमें कुछ भी ऑफिशियल फिगर्स नहीं थे। और जो आर्टिकल्स यहाँ पर बताए गए थे, वो NCR जो कि 54,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसके नंबर्स को 4,300 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए मुंबई मेट्रोपॉलिटन
रीजन के साथ कंपेयर करके दिखा रहे थे। इसी कारण मुंबई ने अपना पोजीशन अब तक मेंटेन करके रखा है। फ्यूचर में जिस हिसाब से सिटी ग्रो हो रहा है और जिस हिसाब से मुंबई अभी स्टैग्नेंट होना शुरू हो गया है, आने वाले 50 सालों के अंदर कोई दूसरी सिटी मुंबई को इजीली ओवरटेक कर सकती है, ऐसा इंडिकेशन हमें फ्यूचर में नजर आ रहा है। और हमारे देश के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत अच्छी बात भी है। पैसों के साथ साथ मुंबई में बहुत सारी बुरी चीजें भी आ गई, जैसे लेबर्स एक्सप्लॉयटेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम यानी कि धारावी, अच्छी क्वालिटी हाउसिंग का बहुत ज्यादा प्राइजेस में सेल आउट होना, रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो जाना, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन सब चीज़ों को भी मुंबई को पार्लली सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब मुंबई को आइडियल सिटी बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जिसकी वजह से मुंबई एक ओपीएम ट्रेड कैपिटल से टेक्सटाइल कैपिटल में चेंज हुआ और टेक्सटाइल कैपिटल से फाइनेंशियल मार्केट में चेंज हुआ। इन सारी चीजों के कारण मुंबई हमारे देश का सबसे अमीर शहर भी बन गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो।